राज्य में रेरा को लेकर दुविधा में है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कई राज्यों में रियल एस्टेट के नए अधिनियम रेरा को लेकर दुविधा में है और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को सुलझाने की कोशिश कर रही है। डीटीसीपी ने यूनिटेक के सनब्रिज प्रोजेक्ट की मांगी स्टेटस रिपोर्ट। गुरुग्राम के सेक्टर 69 में यूनिटेक सनब्रिज के घर खरीदारों का इंतजार 8 सालों के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है। इसी के चलते डीटीसीपी ने खरीदारों की शिकायतों पर अब यूनिटेक सनब्रिज से योजना के निर्माण पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। प्रॉपर्टी को सस्ता करने की पहल कर रहा है हांगकांग। दुनिया के सबसे महंगे प्रॉपर्टी मार्केट में घर की कीमतों को कम करने की कोशिश में लगा है हांगकांग, जिससे कि घर खरीदने वाले ग्राहकों की गैर विनियोजित बैंकिंग उद्योग में कर्ज से बचाया जा सकेगा। 1 हफ्ते के अंदर होगा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन। गुरुग्राम के सेक्टर 57 के आलोहा रेजिडेंट सोसाइटी से लगातार आ रही शिकायतों के चलते डीटीसीपी यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट साइट पर इंस्पेक्शन किया, जिसके बाद डीटीसीपी ने बिल्डर को 1 हफ्ते के अंदर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के आवेदन करने का आदेश दिया है। 900 से 1200 वर्ग फुट के मध्यम आय वाले आवास। मुंबई रियल एस्टेट अब काफी किफायती दामों पर मध्यम आय वाले लोगों के लिए आवास तैयार करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही 300 से 600 वर्ग फुट वाले अपार्टमेंट भी हैं जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी को आकर्षित करेंगे, जिनका वेतननामा 6 लाख रुपए सालाना है।